नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। रस विवेचन की श्रृंखला में हमारा रस का बिंदु है चतुर्थ रस, रौद्र रस। आप सबको पता है इसका स्थायी भाव है क्रोध, और इसके देवता हैं रुद्र। इसका रंग लाल है। भरत मुनि कहते हैं कि रौद्र रस राक्षस, दैव्य और उद्धृत मनुष्यों से उत्पन्न होता है। केशव दास जी कह रहे हैं, हो ही रौद्र रस क्रोध में विग्रह उग्र शरीर, अरुण वरण वरणत सबे कही केशव मति धीर। केशव दास जी जो अपने आप को धीरमति बताते हैं, वे कह रहे हैं कि क्रोध में रौद्र रस होता है, उसमें व्यक्ति का शरीर है वो उग्र हो जाता है, अरुण वरुण वरणत सबे की लाल पीला मुंह हो जाता है और व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत्थ ही, बाण की वायु उड़ाए के लक्ष्मण लक्ष करो अरिह समरत्थ ही, राम ही बाण समेत पड़े बन कोप के भार में भूजो भरत्थ ही, जो दनु हाथ गहे रघुनाथ तो आजु अनाथ करो दशरथ ही। यह रामचंद्रिका में से लिया गया है जिसके लेखक केशव दास जी हैं। इसमें आश्रय परशुराम है और वो बार बार अपना कुठार यानी फरसा उठाते हैं और आलंबन श्री राम की तरफ देखते हैं कि आज मैं इनको बिना आज अनाथ करो दशरथ ही कि इस रघुनाथ का वध करके मैं राजा दशरथ को पुत्र विहीन कर दूंगा। यहाँ पर उद्दीपन है कि भगवान श्री राम ने जो धनुर्भंग किया उसके पश्चात जो परशुराम के क्रोध के आयाम है वो सारे उद्दीपन अनुभव है वाचिक कि मैं सबका वध कर दूंगा। आंगिक है उनको क्रोध आ रहा, आंखों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं, ब्रकुटियां तिरछी हैं, वेपतु यानी वे कांप रहे हैं परशुराम जी। संचारी भावों में उग्रता है, गर्व है, मद है, चपलता है, अमर्ष है, आवेग है। अमर्ष देखिए, संचारी भावों के अध्ययन में हमने पढ़ा था कि जब व्यक्ति की आज्ञा की अवहेलना होती है उसके पश्चात जो मन में जो खिन्नता, क्रोध या जो गुस्सा आता है वह अमर्ष है। यहाँ पर परशुराम जी को यहाँ शिव धनुष तोड़ने के ऊपर और राम और लक्ष्मण को उनके एक तरह से आज्ञा की अवहेलना दिखाई दे रही है, इसके कारण ऐसा उत्पन्न हुआ है। अधर चब्ब गही अब गति गब्ब गति, गही रावण को काल, दृग कराल मुख लाल करी दोरे उदशरथ लाल। ये कवि पद्माकर का लिखा हुआ है। अधर चब्ब गही, होठ चबा करके गब्ब अति, गही रावण को काल, रावण पकड़ने की तरह पकड़ने के लिए जाते हैं। दृग कराल मुख लाल करी दोरे उ दशरथ लाल, कि उनकी आंखें भगवान श्री राम की दशरथ के लाल वही हैं और मुख लाल हो गया श्री राम का, आंखें खुल गई ऐसे विकराल हो गई और दौड़ते हुए वो आते हैं। आश्रय यहाँ पर राम है, आलंबन रावण है, उद्दीपन उनका होठ चबाना, आंखें विकराल करना और दौड़ना। अनुभाव यहाँ पर आंगिक है, होठ चबा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुख लाल हो रहा है। सात्विक अनुभवों में वेपथु कांपना है। संचारी भावों में दौड़ने के कारण उग्रता है, आवेश है, चपलता है, मद है और गर्व है। तो रौद्र रस में क्रोध की जो आपूर्ति है वो आलंबन के द्वारा किस प्रकार से की जाती है देखिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी कर धरेउ कर धोरा, अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जो। यहाँ जो क्रोध है वो आश्रय परशुराम जी को आ रहा है, किसको देखकर, आलंबन लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके। ऊपर दिया ना, सुनत लखन के वचन कठोरा, कि लक्ष्मण के जो कठोर वचन है वो सुन करके परशुराम जी, परसु सुधारी कर धरेउ कर धोरा, कि वे अपने परसु फरसे को सुधारी ठीक करके, कर धरेउ कर धोरा, सुधारी कर अर्थात ठीक करके अपने
हाथ के ऊपर धरते हैं और अब पूरी भीड़ को कहते हैं, समूह जन समूह जो वहां उपस्थित है, कि अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कि हे लोगो अब मुझे दोष मत देना कि ये जो बालक सामने खड़ा है वो बड़ा कटुवादी है, कठोर वचन बोल रहा है, इसलिए यह बालक कटुवादी बालक वध जोगु, कि ये बालक वध करने योग्य है। अर्थात लक्ष्मण जो है वो कठोर वचन बोलने के कारण वध करने योग्य है, ऐसा परशुराम जी का क्रोध कह रहा है। तो यहाँ आश्रय जो है वो परशुराम है, आलंबन लक्ष्मण के कठोर वचन है, उद्दीपन कठोर वचन कहना, परशु को सुधारना यानी फरसे को ठीक करना, अनुभाव यहाँ पर वाचिक कथन है, आंगिक परशुर फरसे को ठीक करना है, सात्विक अनुभाव जो है वो वेपथु है, और संचारी भावों में आवेग है, उग्रता है, विबोध, वितर्क, मद, गर्व, चपलता इत्यादि। तो इस प्रकार हमने रौद्र रस का अध्ययन निम्न उदाहरणों के द्वारा किया। धन्यवाद।